नमस्कार आप सभी को। शाब्दिक तर्क के भाग चार में आपका स्वागत है। आज हम अक्षर श्रृंखला यानी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अक्षर श्रृंखला के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एक निश्चित क्रम में घटाते बढ़ाते हुए हम श्रृंखला प्राप्त करते हैं। इनके प्रश्नों में संख्याओं का समावेश भी देखने को मिलता है, उस प्रकार के प्रश्न भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्णमाला से आप भलीभांति परिचित हैं। कुल 26 अक्षर होते हैं। ए को हम एक से भी दर्शाते हैं, बी को दो से। इस प्रकार करते हुए आपको कुछ की जो अक्षर हैं, की पोजीशन वाले जो अक्षर हैं, आपको उनको याद रखना है। जैसे ई को आप 5 से दर्शाते हैं, जे को आप 10 से। ओ का स्थान 15वां होता है, टी का स्थान 20वां, वाई का स्थान 25वां तथा जी 26वें स्थान पर होता है। पीछे से भी आप इस क्रम को ज्ञात कर सकते हो। पीछे से ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 27 में से आगे वाले क्रम को आप घटा दीजिए। मान लीजिए डी क्या है, आगे से उसका स्थान क्या है, चौथा है। यदि आपको पीछे से यदि डी का स्थान निकालना है तो आप सीधे सीधे 27 में से 4 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 23। अतः इसका पीछे से स्थान क्या होगा, 23वां होगा डी का। पीछे से इसका स्थान 23वां होगा, ये 24वां, ये 25वां और ये क्या होगा, 26वां। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अक्षर श्रृंखला का प्रथम प्रश्न हम देखते हैं। आपको दिया हुआ है BMO EOQ HQS। आप देख सकते हैं कि जो तीनों अक्षर हैं ये परस्पर आगे बढ़ ही रहे हैं। हम वर्णमाला की छोटी सारणी बगल में बना लेते हैं। आप देखिए B और E में तीन अक्षरों का फर्क है। यदि आप इसमें बी में तीन जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, ई। यदि एम में आप दो जोड़ें, एम के बाद क्या आएगा, एन और फिर ओ। और आप ओ में भी यदि दो जोड़ें तो आपको ओ के बाद क्या मिलता है, ओ पी क्यू। तो इस प्रकार हमें अगला पद मिल गया जो कि है ई ओ क्यू। फिर से हम इसमें ई में आप तीन जोड़िए, तो ई में यदि आप तीन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच। देखिए ई के बाद एफ जी एच, और ओ में यदि आप दो जोड़ें फिर से तो आपको क्या मिलेगा, क्यू। और क्यू में यदि आप दो जोड़ें तो आपको मिलता है एस। अतः हमें सीरीज़ प्राप्त करने के लिए, हमारी जो श्रृंखला का अगला पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तीन जोड़ना होगा, यहाँ पे दो और फिर से दो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए एच में यदि आप तीन जोड़ें तो आपको क्या मिलता है, के। क्यू में यदि आप दो जोड़ें तो आपको मिलता है एस। और एस में यदि आप दो जोड़ें तो एस टी यू, तो के एस यू, यह इसका सही विकल्प होगा। इस प्रकार आपको अवलोकन करना है कि श्रृंखला के पद जो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं या काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं, यह सब आपको देखना होता है। अगला प्रश्न, श्रृंखला के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। आप देखिए टी में से यदि आप दो घटाएं तो आपको आर मिलता है, यहाँ से यदि हम दो घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, आर। और R में से यदि आप फिर से दो घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, P। P में से यदि आप फिर से दो घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, N। N में से फिर से दो घटाने पे मिलता है L। और L में से आप फिर से दो घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, अगला पद यहाँ मिलेगा आपको J। और J में से फिर से दो यदि आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा सीधे सीधे H। तो अगले दो पद आप आसानी से बता सकते हो क्या होंगे, J और H। हमने क्या किया है, दो दो घटाते हुए चले हैं सब में। तीसरा प्रश्न देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एसएससी में बहुतायत में पूछा जाता है। आपको ए बी, इसमें केवल दो अक्षर दे रखे हैं, ए बी को लेके आपको क्या बनाना है, सीरीज़ बनानी है। सीरीज़ कैसी भी हो सकती है, ए ए बी बी की हो सकती है, ए ए ए बी बी बी, किसी भी प्रकार की सीरीज़ हो सकती है। तो हम कुछ पदों को देखेंगे और इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना होता है, इसका और कोई दूसरा तरीका होता नहीं है। तो आप देखिए यदि हम पहले वाले पद को भर के देखें इसमें, तो आपको यहाँ पे भरना होगा ए बी 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 ए। तो कोई सीरीज़ बन रही है क्या, आप देखिए यदि हम अवलोकन करें तो यहाँ मिल रहा है हमको ए बी ए बी ए बी 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 ए ए ए बी, तो ये कोई सीरीज़ नहीं मिल रही है। इस प्रकार से ए इसका सही विकल्प नहीं होगा। यदि हम विकल्प बी देखें, विकल्प बी में यहाँ तक तो सेम था, लास्ट में बी ए की जगह ए बी कर दिया गया है। यदि हम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी कर दें तो अब क्या सीरीज़ बन रही है, ए बी ए बी ए बी ए बी, सब जगह हमें ए बी प्राप्त हो रहा है। अतः यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। आपको इस प्रकार से देखना होता है।
तो 20 का क्या होगा, सही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला का आप देखिए, इसमें लुप्त पद हमें भरना है, हमें चार स्थान दे रखे हैं भरने के और आपका पद शुरू होता है ABC से। तो यदि ये ABC होता तो फिर से आप देखिए कि ए यहाँ पे सी आपको बी दे ही रखा है, तो अतः यहाँ पे सी नहीं आएगा, अतः आपका ए ऑप्शन गलत होगा, यहीं से आप कह सकते हैं और सीधे सीधे। अब क्योंकि आपका ए वाला ऑप्शन गलत हो गया है, अब हम इनमें से हिट एंड ट्रायल से आप सी वाला पिक कर लीजिए, इससे हम चेक करते हैं एक बार बना के। अब देखिए सी वाले में यदि हम ए भर दें, यहाँ बी भर देते हैं, यहाँ ए हो जाएगा और अंत में सी। आप देखिए ABC फिर बन रहा है आपका AABC। आपको क्या देखना है कि पद जब एक बार ख़त्म हो उस अंतर में आपको देखना है, सबसे पहले बन रहा है ABC, फिर बन रहा है आपके AABC, फिर बन रहा है AABBC। अक्षर एक बार आता है और हर बार एक एक अक्षर रिपीट हो रहा है, फिर देखिए आप AABBCC। तो इस प्रकार से सी इसका सही उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें सीखने को मिली, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको समान क्रम के पद देखने को मिलेंगे, किसी में ज़्यादा पद हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए जल्दी से जल्दी, आप एक एक करके समय व्यर्थ ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप देखिए इसमें एम दे रखा है आपको और तीन अक्षर भरेंगे इसमें, एम ए और एन, तीन जो अक्षर है वो भरे जाएंगे। तो आपको देखिए एम दे रखा है, यदि हम ए भरें यहाँ पे और एन हो गया, फिर से एम दिया हुआ है, फिर से एन है, तो यहाँ पे यदि हम ए भर दें फिर से, तो आप देखिए मैन बन रहा है, मैन बन रहा है, तो अतः इसका उत्तर ही क्या होगा, मैन मैन वाली सीरीज़ बनेगी। तो अक्षर अगला जो अक्षर भरा जाएगा वो खुद एम हो जाएगा, तो ए एम हमें कहाँ से मिल रहा है, इन दोनों से प्राप्त हो रहा है, ए और सी से। तो अगला पद भी हम ज्ञात कर लेते हैं, मैन हो गया, फिर से एम ए एन हो जाएगा, तो एम एन और आएगा, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, सी आपको भरना है, AAMMN और यहाँ फिर से एन आ जाएगा अंत में, इसका सी सही उत्तर होगा, मैन मैन की सीरीज बन रही है ये। एक अंतिम प्रश्न देखते हैं अक्षर श्रृंखला पे, आप देखिए ए से यदि आपको सी प्राप्त करना हो तो आप क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, उसी प्रकार यदि आपको जेड से एक्स प्राप्त करना हो तो आप दो घटा देंगे। आगे देखते हैं यदि आपको सी से एफ प्राप्त करना हो तो सी और एफ में कितने का गैप है, तीन का गैप है, आपको तीन जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हम जो एक्स है, एक्स में से यदि आप तीन घटाएं, अब देखिए एक्स में से यदि आप तीन घटाएं तो आपको मिलेगा यू, तो आपको क्या करना है, तो आपको एफ में क्या करना है, चार जोड़ना है और यू में से आपको क्या करना है, चार घटा दे लेना है। तो यदि आप एफ में चार जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, एफ के आगे चार अक्षर बाद क्या है, जे, तो आपको अगला अक्षर मिलेगा जे, और यू में से यदि आप चार घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, पीछे से क्यू, तो इसका जे क्यू आंसर हो जाएगा, सी इसका सही विकल्प होगा। अक्षर और संख्या के संयोजन से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें तीन परस्पर क्रमों का समावेश है। आप देखिए जेड से हो रहा है एक्स, यानी कि यहाँ पे आपको दो घटाने पड़ रहा है, एक से हो गया दो, दो से हो रहा है छः और 6 से 21, इस प्रकार से संख्या श्रृंखला इस प्रकार से बढ़ रही है, और अंत में ए से डी हो रहा है, यानी कि दो, ए से डी यानी कि तीन जुड़ा है, डी से फिर जी हो गया है, फिर से तीन जोड़ा गया है और जी से जे हो गया है, यानी कि फिर से तीन जोड़ा गया है। अतः श्रृंखला का जो हल है वो हम देखते हैं अंतिम वाले पद से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, अंत में आपको दे रखा है P445P, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें तो आपको क्या करना है, एक्स से वी कैसे प्राप्त कर रहे थे हम, एक्स में से आपको फिर से दो घटा लेना है, पहले पद में से आपको दो घटा लेना है और अंतिम वाले पद में तीन जोड़ देना है, पी में से यदि आप दो घटाएं तो आपको मिलेगा एन, और यदि पी में आप तीन जोड़ें, पी में तीन जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, एस। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस श्रृंखला का उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि इसमें एन और एस दोनों आ रहे हैं अंत में। अब आपको
ये वाला पद किस प्रकार से प्राप्त होगा? हम देखते हैं संख्या में क्या नया है इसमें। आप देखिए, एक को यदि आप एक से गुना करें और उसमें एक जोड़ें तो आपको क्या मिलता है? दो। दो में यदि आप दो से गुना करें और उसमें दो जोड़ दें तो आपको मिलता है छः। चार और दो छः। छः को यदि आप तीन से गुना करें और उसमें तीन जोड़ दें तो आपको मिलेगा 18 और 3 21। यदि 21 में आप चार गुना करें और चार जोड़ दें तो आपको मिलेगा 84 और चार 88। 88 को आपको गुना करना है पाँच से और उसमें क्या जोड़ देना है? पाँच। तो 88 को आप 90 माइनस दो करके पाँच से गुना कीजिए और उसमें पाँच जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 445। अंत में 445 को छः से गुना करना है और उसमें छः जोड़ देना है। तो यहाँ पे जब आप गुना करेंगे 445 को आप लिख सकते हो 450 माइनस पाँच गुना छः प्लस छः। तो देखिए ये हो जाएगा 450 को यदि आप 6 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2700। 2700 में से आपको घटाना है 30 और जोड़ देना है 6। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 2670 और 6 76। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 2A11, 4D13, 12G17। इस प्रकार से आपको सीरीज दे रखी है। तो आप देखिए, दो को यदि आप दो से गुना करें तो आपको मिलता है चार। चार को यदि आप तीन से गुना करें तो आपको मिलता है 12। यदि आप 12 को चार से गुना कर देंगे तो आपको अगला पद ज्ञात हो जाएगा। तो अगला हमारी संख्या क्या होगी? 12 चौक 48, यानी कि सी और डी में से हमारा कोई एक उत्तर होगा, 48 आएगा। अंत में देखते हैं, 11 दे रखा है, फिर 11 से क्या हो गया? 13 हो गया, यानी दो जोड़ दिया गया है। 13 से 17 हो गया, यानी कि चार जोड़ दिया गया है। यदि हम 17 में 6 जोड़ दें तो आपको मिलेगा 23। इस प्रकार से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है वह क्या होगा? 48J23, क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन में 48 और 23 नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि जे हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। आप देखिए, जो ए है, ए में यदि आप तीन जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा? डी। डी में यदि आप तीन जोड़ें तो आपको मिलेगा जी, और जी में आप यदि आप तीन जोड़ें तो आपको मिलेगा जे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 48J23। ये एक अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। आपको दे रखा है 23, बी खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर 6 रिक्त स्थान, एफ जी और फिर रिक्त स्थान है। इस प्रकार से श्रृंखला बढ़ती जा रही है। यह एक ट्रिकी प्रश्न है, तो इसे हम जल्दी से देख लेते हैं। जो बी है, बी को आप अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से लिखते हो? दो से। तो आपने दो लिखा है, आपने यहाँ पे बी लिखा है। उसी प्रकार तीन आप सी से दर्शाते हो तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। छः को दर्शाने के लिए आप एफ का प्रयोग करते हो, तो जी को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सात का। तो यहाँ पे क्या आएगा? सात। आगे देखिए, डी को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं चार का, और पाँच से हम दर्शाते हैं ई को। आठ को हम दर्शाते हैं एच से, और आई दर्शाया जाता है नौ से। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? C74E9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसी प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कीजिए।